को बहुत पीटा था स्कूल में. अच्छा. तो मैंने काफी पीटा 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 और उसके मुंह पे वो आई एम सो सॉरी भगवान मेरे से अभी कभी गलती मत करा, वो बचपने में हो गया. तो वो उसने जाके दिखाया प्रिंसिपल ने ये वो, पापा को फोन गया कि आपकी लड़की ने ये हरकत की है, हम इसको सस्पेंड करने वाले हैं. तो क्या रीजन, मेरे को रीजन जानना है क्या हुआ. मैं कहा पापा मेरे को बहुत मतलब इंसल्ट ही और मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलती थी जाके, तो मैंने इसलिए पीटा. पापा कहते एक काम कर, थोड़ा सा और पीट गया. शहनाज कौर गिल इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और बासलायत अदाकारा है और इन्हें टेलीविजन पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से जाना जाता है. वो मुल्क के सबसे फेमस स्टार्स में से एक हैं जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया. पंजाब की मशहूर अदाकारा और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्यारी खातून मशहूर शख्सियत शहनाज गिल एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं. शहनाज गिल 27 जनवरी 1993 को पैदा हुई थी और इसकी परवरिश पंजाब हिंदुस्तान में हुई थी. वो एक सिख खानदान से ताल्लुक रखती हैं. वो अदाकारी करना और गाना पसंद करती हैं. शहनाज ने डलहौसी हिल टॉप स्कूल से तालीम हासिल की और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भगवाड़ा से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और कॉमर्स की डिग्री हासिल की. इन्होंने बहुत सी म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया. 2013 में अदाकारा ने बिग बॉस में हिस्सा लिया जो इनके कैरियर का एक अहम मोड़ था. बिग बॉस वैसे तो बहुत पॉपुलर शो है लेकिन 2013 में शहनाज की वजह से ये सीजन सबसे हिट किया. ये शो इनकी जिंदगी के लिए किसी नेमत से कम नहीं था. बिग बॉस शो इनकी जिंदगी का सबसे अहम शो था क्योंकि इस शो ने इनको बहुत पॉपुलर कर दिया था और इनकी अदाओं ने और इनकी हरकतों ने सबको दीवाना कर दिया था और इनके बहुत से फैन बन चुके थे. सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, लोग इनके दीवाने बन चुके हैं और 2013 में इनकी जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी थी. इनकी जोड़ी बहुत ही फेमस हो चुकी थी, शायद यही वजह थी कि इन दोनों को किसी की नज़र लग गई. लेकिन 2 दिसंबर 2021 को सबसे अफसोसनाक तारीखों में से एक समझा जाता है क्योंकि इस दिन सिद्धार्थ शुक्ला का इंतकाल हुआ था और इनके इंतकाल के बाद शहनाज गिल बिल्कुल टूट चुकी थी. इनके इंतकाल के बाद उन्होंने टीवी से कुछ देर के लिए फासला इख्तियार कर लिया था. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वक्त के साथ साथ वो भी संभल गए. उन्होंने बोला कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करोगी इसीलिए जो भी हो चुका आप खुश रहना, सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाबियाँ पाओ. इसी के साथ शहनाज ने अपनी जिंदगी का दोबारा से आगाज किया. उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला की यादें मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इनकी यादें हमेशा मेरे साथ चलेंगी. मैं जितनी भी मर्जी कामयाब हूँ लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मैं कामयाब हूँ. अपनी हर कामयाबी में मैं सिद्धार्थ को जरूर याद करती हूँ. फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.